अयोध्या जनपद में सकुशल संपन्न हुई अलविदा की नमाज। नमाज के दौरान सख्त रहा पुलिस का पहरा। खुद डीआईजी एसएसपी मुनिराज ने संभाली कमान। शहर में भ्रमण करते हुए डीआईजी एसएसपी मुनिराज और एडिशनल एसपी सीओ एसएचओ सीओ पूरी टीम रही मुस्तैद। आज जुमातुल विदा है। हम मुसलमानों ने शहर फैजाबाद मरकजी जामा मस्जिद टाटशाह में अपने रब की इबादत करके दुआएं करके नमाज पढ़ते बैठे हुए। जुमातुल विदा मुसलमानों के लिए एक इंतहाई अहम दिन होता है। रमज़ान शरीफ में जितने जुमा आते हैं सबका आखिरी जुमा यह होता है और इस जुमा को सारे मुसलमान इंतहाई अकीदत एहतराम और एहतमाम के साथ अदा करते हैं। बड़ी तादाद में लोग अपने रब की बारगाह में सरफ़ारिज होते हैं। हमारा ईमान हमारा अकीदा है इस जुमा की खसूसियत और बरकत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला इसके बरकत से बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। देखिए आज तो रमज़ान शरीफ की 29 तारीख है। आज चांद देखने की कोशिश की जाएगी। चांद नज़र आ गया तो कल ईद है और अगर चांद नज़र नहीं आया तो हुक्म शरा जो है वो ये कि 30 की गिनती पूरी की जाए। उस एतबार से अगर चांद नहीं दिखा तो कल भी हम रोज़ा रखेंगे परसों ही बनाएंगे। इस मौके पर मैं अपने शहर के मुसलमानों से तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ चांद नज़र आ जाए तो ईद की त्योहारी ईद का त्यौहार इस तरीके से मनाएं जैसा कि इस्लाम में इसका दस्तूर है, जैसा कि हमारे नबी की तालीम सहाबे कराम की तालीमात से जो साबित है। ईद दरअसल वही है जिसमें एक दूसरे के हकूक़ का लिहाज रखा जाए। ईद दरअसल इजहार मोहब्बत का दिन है। ईद दरअसल इजहार अकीदत एहतराम और प्यार का दिन है। मुसलमान इसी जज्बे के तहत अपने रब की बारगाह में जो गाना अदा करता है फिर बाद में एक दूसरे की खुशी बांटता है, खुशियाँ लेता है, मिठाइयाँ सवैयाँ खिलाता है और इससे यह है कि मोहब्बतें बढ़ती हैं फैलती हैं। हम मुसलमानों ने फैज़ाबाद और हिंदुस्तान के लोग हमेशा यही कामना करते हैं आरज़ू करते हैं कि हमारे जितने त्यौहार हैं हर त्यौहार के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी ज़मीन को और आलम इस्लाम को सलामत रखे, हमारी ज़मीन फले फूले चैन सुकून के साथ लोग रहें, इंसानियत आबाद रहे, हर एक को हर एक का हक मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए अलविदा उस जुमा को कहा जाता है जो कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा, इसको यौम जुमा भी कहा जाता है और कुछ लोगों के ख़्यालात ऐसे हैं कि आज के दिन अलविदा के दिन आधी ईद होती है। लिहाजा हम मुसलमान भाई अल्लाह उसके रसूल का लाख लाख शुक्र एहसान है मौला ताला का कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना हम सब लोगों को इनायत किया, मैसर किया। हमारे मुसलमान भाई ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा रखा और आज आखिरी जुमा के अलविदा की नमाज़ अदा फरमाई बड़े सुकून व इत्मीनान के साथ। और तमाम आलम इस्लाम पूरी दुनिया के लिए हर कौम के लिए, कोई ज़रूरी ही नहीं खाली मुसलमान भाई के लिए दुआ किया गया, ये नहीं है और मजहब इस्लाम इस चीज़ को सिखाता भी नहीं है, बखूबी आप जान रहे हैं। लिहाजा मजहब इस्लाम इस चीज़ का सिखाता है कि हर आदमी भाई भाई होता है, एक दूसरे का प्यार मोहब्बत इखलाक होना चाहिए, अच्छा बर्ताव पेश करना चाहिए और सबसे अच्छा इखलाक जो होना चाहिए इन्नकल आला खुल्क नदीम, सबसे बेहतर हमारा या आपका हो तो इखलाक सबसे बेहतर है। मजहब इस्लाम यही चीज़ सिखाता है। लिहाजात के दिन हमने नमाज जुमा अलविदा रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा की नमाज़ अदा फरमाया। मैं बहैसियत इमाम कारी मोहम्मद असलम ख़तीब व इमाम जामा मस्जिद काजी खुतबा मौला सोसाइटी कटरा का मैं बोल रहा हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े से पूरी दुनिया में अल्लाह ताला अमन शांति रखे और तमाम लोगों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जितने भाई मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ हम और आपका प्यार मोहब्बत है कि हम और आप एक साथ में रह करके अपनी हम और आप मिल करके एक ज़िंदगी गुजर फरमाएँ। आज अलविदा।